हेलो नमस्ते, वेलकम टू डे 33 ऑफ योगा बेसिक्स। आई एम डी, यू आर वाचिंग डे योगा फिटनेस। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस त्रिकोणासना, जिसे कि ट्रायंगल पोज कहते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है, जिससे कि आपका लाइक हिप में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, आपका स्पाइन में स्ट्रेंथ मिलता है। सो लाइक इट विल स्टिमुलेट्स योर लाइक एब्डोमिनल ऑर्गन्स। सो बहुत ही बढ़िया आसन है गाइज, एंड इसमें आपका लाइक जो लेग्स का ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों हम योग प्रैक्टिस करते हैं, योगा क्यों करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। सो इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। सो बहुत सारा बेनिफिट है गाइज योगा का। सो योगा लाइक योगा फिटनेस एक्सरसाइज अपनाइए, डेली रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए एंड उसका बहुत सारा बेनिफिट लीजिए। विदाउट डिले लेट्स मूव टू प्रैक्टिस। सो गाइस, त्रिकोणासन के लिए हमें पहले लाइक अगर आपका मैट पे और लेफ्ट साइड पे है, अगर राइट साइड पे कौन सा साइड पे, अगर आप लेफ्ट में हैं तो आपका राइट लेग का डिस्टेंस लाइक मिनिमम 3 फीट के आसपास ऐसा ओपन कर दीजिए। देन आपका जो राइट फीट हो, जो फिंगर्स है वो उसको टोज है उसको टर्न कर दीजिए, ओके, आउटवर्ड ऐसा टर्न कर दीजिए। देन आपका लेफ्ट फीट ऐसा सीधा रख दीजिए। देन आपका हिप का हिस्सा थोड़ा ऐसा आगे ले आइए, देन इनहेल करके आपका दोनों हाथ ऐसा शोल्डर लेवल पे आपको लाना है। देन नेक्स्ट क्या होता है, इनहेल करके एक्सहेल करना है आपको। देन आपको आपका हिप से ऐसा बेंड होना है, लेटरल बेंड करना है, ठीक है? आपको ऐसे आगे आके बेंड नहीं होना है, पीछे आके नहीं होना है। सो यहाँ से आपको हिप से ऐसा धीरे 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 आपको बेंड होना है। देन हाथ आप यहाँ पे रख से आप देखिए आपका हाथ कहाँ तक, अगर आपका नी का पास रहता है, जैसा बहुत सारे ऐसा रहता है तो आप ऐसा रखिए, ट्राई कीजिए। अगर थोड़ा नीचे आ रहा है तो ट्राई कीजिए नीचे रखिए, नहीं तो आप ऐसा पूरा नीचे रख सकते हैं, ओके, नहीं तो आप ऐसे आगे रख सकते हैं, ओके। सो बेटर आप अगर बिगिनर्स है तो आप आपका लेग्स के ऊपर रखिए, आपका लाइक नी से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे ड्रैग कीजिए नीचे, आप ऐसा रखिए। देन ऐसा ऊपर देखिए लेफ्ट पाम और सीलिंग को आप ऐसा लुक कीजिए। मेक श्योर आपका जो हिप का हिस्सा ऐसा पीछे जाना नहीं चाहिए, सो हिप का हिस्सा आप धीरे ऐसा टक कर दीजिए आगे, सो हिप ओपन हो जाएगा। देन लुक ऑफ, स्टे हियर फ्यू सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, इनहेल वंस, एक्सहेल, देन धीरे धीरे आपको ऐसा नॉर्मल पोस्चर पे आना है। देन एक्सहेल, ड्रॉप योर हैंड्स। देन आपको लेफ्ट साइड के लिए आपको फिर से क्या करना है, आपका राइट फीट ऐसा टर्न करके देन लेफ्ट फीट का टोज आपको फॉरवर्ड ऐसा फ्रंट पे आपको ऐसा प्लेस करना है। सो देन सेम वे आपका दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लाना है, इनहेल करके एक्सहेल करके फिर आपको आपका हिप से बेंड होना है। अगर मेक श्योर आपका दोनों नीज स्ट्रांग है एंड दोनों नीज स्ट्रेट है, अगर आपका नी लेग्स में कुछ इंजरी है सो डोंट प्रैक्टिस दिस, ओके। सो इनहेल वंस, सो आपका हिप का हिस्सा देखिए मेरा भी ऐसा बेंड हुआ है, तो इसको ऐसा सीधा ऐसा कर देंगे पूरा, हमें वो भी लाइक लेटरल बेंड करना है। देन एक्सहेल, आप नीचे प्लेस कर सकते हैं सर, ये तो यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए अभी लेग्स अंदर जा रहा है, आप इसे ऐसे बाहर टक कर देंगे ऐसा, इधर ही रखिए, ऊपर देखना है अभी। फ्यू सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, वंस, कम टू नॉर्मल पोस्चर, एक्सहेल रिलैक्स, देन इनहेल एक्सहेल करके आपको नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर पे आना है। सो बहुत ही बढ़िया आसन है गाइस, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे आपका ट्राई कीजिए हिप वॉल पे ऐसा फिक्स कर दीजिए, देन आप वॉल का सपोर्ट लेके ऐसा
धीरे धीरे ऐसा बेंड कर सकते हैं। सो ये वाला भी आप ट्राई कीजिए। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो। बाय बाय।